जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चलती होगी। ठीक है, नाम लेता हूं। जैसा कि नाम आ रहा है कि गोलू आ रहा है, गोपीन आ रहा है, मनोज आ रहा है, दुर्गेश आ रहा है, सोनू आ रहा है, निशा, जयंत, जाधव, मनीषा, विष्णु, शुभम, सभी का मेरे भाई स्वागत है। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि जो आज की क्लासेस आज है ना, आपके एग्जाम में कुछ आए या ना आए लेकिन शुद्ध वर्तनी जरूर आएगा, इस चीज की गारंटी है। तो इसको ऐसे तरीके से कवर कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शुद्ध वर्तनी ऐसे होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि आपको वहां पर तकलीफ ना हो जब आप अपने एग्जाम में बैठे। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने आएगा, लेकिन इससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को या कमेंट को ऑफ करके लाइक कर लेंगे ताकि मन और उत्साह बना रहे, तो पढ़ने और पढ़ाने का मजा कुछ अलग और होता है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका एक कह रहा है, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एक तो नहीं है भैया। आपने लॉकडाउन में खूब रामायण देखा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब न देखे होंगे वो बात अलग है, लेकिन यहां पर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध आपको छांटना है, चुनना है, पहचान करना है। रामायण, रामायण दिया है, रामायण दिया है, रामायण दिया है, रामायण दिया हुआ है, आप बता दीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और हम भी कहेंगे हाँ भाई करेक्ट ऑप्शन। कई बच्चों ने कहा कि सर रामायण तो खूब देखा और ऑप्शन बी को ही देखा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर से निकल के आ रहा है, बाकी ऑप्शन तो आपके सही। रामायण नाम का जिक्र नहीं होता, न होता है, न से काम यहीं पर चल रहा था, बाकी ऑप्शन में अगर चलता तो आप लोग भी चला लिए होते, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका टू आपके सामने होगा, शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। और ये ओ शुद्ध वर्तनी है, ये ओ शुद्ध वर्तनी है जो आपके एग्जाम से मेरे भाई ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नजरअंदाज मत करना, एक बार ध्यान से देख लेना सारे के सारे चीजों को, ऐसे ही तो आपके सामने नहीं है हाजिर, कुछ ना कुछ इसमें खास होगा तब आपके सामने ये है। अच्छा शुद्ध वर्तनी, मानवीकरण दिया हुआ है और यहां पर दिया है मानवीयकरण दिया हुआ है। अरे मानवीकरण दिया है तो यहां पर मनवीकरण दिया हुआ है, आप बताइए कि मानवीकरण एक्चुअली में लिखा कैसे था। जैसा कि मैं आप सभी से कह दूं भैया, अगर लिखने की बात आ जाए तो आप ऐसे कह दीजिए गुरु जी मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, मानवी होता है ये, मानवी को याद कर लो और करण आप अपने सामने ऐसे लगा दो। अगर नजर और नजरिया सटीक रहेगा तो उत्तर भी ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, इस पे नहीं दिखा काट दिया, इस पे नहीं दिखा काटा, इस पे नहीं दिखा काटा। भाई साहब ऑप्शन सी निकल के सही दिशा में आया, बी ऑप्शन वाला बच्चा फिर से गलती कर गया है। आपको गलती नहीं करना है, मानवीकरण जो लिखा हुआ है ऐसे नहीं होता, यह गलत लिखा हुआ है। मानवी में वी की मात्रा छोटी नहीं बल्कि बड़ी निकल के आती है, जब भी छोटी लिखा हो तो वो क्या होता है, सदा के लिए गलत होता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका तीन आपके सामने होगा, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है, हां मानवीकरण ही होता है और कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता तो सही रहता। अच्छा जी, वर्तनी के दृष्टि से ना इनमें से अशुद्ध की पहचान करना, ये ट्रेंड चल रहा है आपके एग्जाम में भैया। अब तो ये खतरे के खिलाड़ी बन के आया, खतरों का खिलाड़ी होता ना, अब ये खतरे बन के आएगा आपके एग्जाम में। लेकिन आपको डरना नहीं है, मैं हूं वो प्रश्न लाऊंगा जो जरूरत होगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा, बाकी बाहर का कुछ भी नहीं। अच्छा गुरु जी एक बात मुझे ये क्लियर कर दो कि वर्तनी के दृष्टि से अगर अशुद्ध पूछे तो इसका क्या मतलब होता है। मेरे भाई इसका ये मतलब होता है कि तीन इनमें से शुद्ध लिखा रहता है, एक बेकारा बेकार लिखा रहता है, अच्छा नहीं लिखा रहता है, वर्तनी के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत होता है मेरे भाई, कौन है जरा पहचानिए। अच्छा गुरु जी हमने कहा यानी कि जब बात आती है तो यहीं पर बच्चा फंसता है। कभी बच्चा सूची ऐसे देखो,
कभी सूची आपने ऐसे देखा नहीं देखा तो ये बिल्कुल गलत होता है। शुष्क कभी भी ऐसा देखा हां ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट होता है, आपका यहां तक भी करेक्ट होता है, लेकिन कभी भी जब यानी ऐसे लिखा जाए ना भैया ये वाला यही एकदम सही वाला है, बाकी तो बिना काम का सब है, जो कि यहां पर दिया था मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग चलना है, अब इसके अनुसार नहीं चलना है। ए ऑप्शन सही आया, यानी, अरे यानी ऑप्शन ए ए ए यानी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 4, शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आपने खूब पढ़ा हुआ है सर गंगा का पर्यायवाची, गंगा गंगोत्री, ठीक है, वही है भागीरथी। अब आपको बता देना है कि भागीरथी एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है, लिखने को देखो सुधार करना बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी देख रहे हैं तो वो एग्जाम में प्रश्न क्यों पूछता है शुद्ध वर्तनी से, इसलिए पूछता है कि बच्चा गलती करता है जैसे कोई जानता नहीं, लेकिन मेरे भाई जानना जब जरूरी होता है तो उसके लिए प्रश्न आपके सामने होता है। यहां पर भागीरथी दिया हुआ है, अब बताइए भागीरथी आपके कौन से सही लिखा हुआ है। जैसे कभी भी भागीरथी दिख जाए ना तो याद रखना भागी पहले लिख लो, भागी ऐसे लिखा जाता है, भागी आपने लिख लिया और रथ होता है ना तो रथ लिख लो, लेकिन रथी बनाना है तो भैया भागीरथी ये वाला करेक्ट है। नजर और नजरिया सही रखना, मुलाकात इनसे हो गया तो यही वाला करेक्ट होने वाला है। कहां पर है बबुआ, बाकी ऑप्शन नहीं है, बाकी ऑप्शन में नहीं है तो कट आउट किया, ऐसे किया, राइट ऑप्शन लगाया और आगे की तरफ चल दिया। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल का प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल का प्रश्न है। कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन यहां से हो सकता है भैया कि पूछा जाए, भैया हो सकता वाली बात नहीं कहता हूं, डायरेक्ट कहता हूं कि पूछा जाएगा अगर उसने कुछ ठाना हुआ है तो। इन नामों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध दिया हुआ है ना तो एक जुगाड़ बताया था, अशुद्ध कभी भी पूछा जाए इसका मतलब तीन ऐसे होंगे जो बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा। अच्छा जी, मैथिली शरण गुप्त लिखा हुआ है, सच्चिदानंद लिखा हुआ है, मांडवी लिखा हुआ है, राहुल संकित लिखा हुआ है, मेरे भाई ये तो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं सबके सब। लेकिन आपको एक बात जानकर ना आश्चर्य हो जाएंगे, आप एक बात यहां पर जानकर भैया आश्चर्य हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे, आप कहेंगे सर मैथिली शरण जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल मस्त लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि मैथिली ऐसे होता है, मैथी होता है, मैथी होता है मेरे भाई, मैथी ली शरण, मैथिली शरण गुप्त होता है, यह मैथिली शरण गुप्त होता है, मैथ नहीं होता, मैथ नहीं होता। बहुत सुना हुआ है आपने कि मैथ 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 नहीं होता, मैथिली होता, मैथिली होता है। ऑप्शन क्या है, ये वाला क्या है, इनमें से गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद करेक्ट लिखा हुआ है, मांडवी सही लिखा है, ये सारे के सारे ऑप्शन यहां पर क्या है, सही लिखे हुए हैं। लेकिन आपसे तो पूछा था करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, जो कि अशुद्धियां थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा या कौन से शब्द वर्तनी के शुद्ध हैं, आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। आप अपने कॉपी में कुछ नोट अभी तक किए हो या ना किए हो, और विषय बातें मेरे भाई अलग हैं, लेकिन इस चीज को नोट करना बेहद जरूरी है, ये चीज को नोट करना मेरे भाई बेहद जरूरी है। अच्छा जी, वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि, अच्छा वाल्मीकि दिया हुआ है ऑप्शन में, मुझे पता है वाल्मीकि होता है, तो यह ऑप्शन तो ऐसे कट गया, ऑप्शन ऐसे कट गया। वाल्मी में आपको पता है कि वाल्मी में ऐसे रहेगा, वाल्मी ऐसे कट गया। मुझे भी पता है ऑप्शन पे बच्चा दो उत्तर देगा, या फिर ये देगा या फिर ये देगा, मेरे भाई आपको कौन सा उत्तर ज्यादा बेटर पड़ेगा, याद रखना कभी भी वाल्मी लिखा जाए ना तो वाल्म याद कर लो, वाल्मी याद कर लो, वाल्मी 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 और छोटा वाला की, अरे वाल्मीकि ऐसे याद करो भाई, समझो चीजों को क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए को चुना हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 कवर करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमें 7 कैसे करना है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का पहचान करना है हमें। अच्छा, मृत्यु दंड होता है, जैसे कहते हैं भैया उनको तो मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। अच्छा जी, तो क्या मृत्यु ऐसे, मृत्यु लिखा कैसे जाता है, अगर आपने इस चीज का नॉलेज ले लिया ना, जैसे मैं कहूं कि मृत्यु मृत्यु, तो मृत्यु इसी से तो पकड़ा जाएगा, मैं इनसे क्यों पकड़ू, मरु से क्यों पकड़ू, कोई जरूरत नहीं है।
मृत्यु इनसे क्यों मतलब रखूं? अरे मतलब भैया मृत्यु यहां पर है, दंड देना कराएगा मृत्यु दंड, करेक्ट ऑप्शन तो यहीं पर मिला था, बाकी ऑप्शन में तो इसे बहका रहा था और आपको उस टाइम बहक भी रहे थे, लेकिन आपको बहकना नहीं है, मुझे मालूम है कि आप करेक्ट ऑप्शन देते हैं। एट नंबर है, किस शब्द की वर्तनी ना यहां पर जो है एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। अच्छा आपका नाम, अरे भाई साहब अट्टू नाम है, अरे भैया सट्टू के पास चले जाइए, आपका अट्टू नाम है तो, गुरुजी मेरा नाम अट्टू है तो, गुरुजी अट्टू नाम है तो सट्टू के पास जाइए, दोस्त है अभी तो पढ़ लेते हैं। वर्तनी से हमें क्या सोचना है कि शुद्ध कौन सा लिखा है। अच्छा पुष्ट लिखा है, पर्याप्त लिखा है, प्रदर्शनी लिखा है, ब्रजभाषा लिखा हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर आप खुद करो कि पृष्ठ ऐसे लिखा जाए, पृष्ठ होता है मेरे भाई, ऑप्शन की तरफ आप लोग नहीं जाएंगे मेरे भाई, पृष्ठ ऐसे लिख लीजिए। अच्छा जी पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है, ऐसे गलती मत करिए। अच्छा माना जाए यहां पर प्रदर्शन, अगर प्रदर्शन ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शन मेरे भाई ऐसे लिखा जाता है तो प्रदर्शनी क्या उल्टा लिखा जाएगा? आप बोलेंगे नहीं गुरुजी ये ऑप्शन, ये कुछ समझ में आ रहे थे कि पृष्ठ तो ऐसा लिखा जाएगा, पर्याप्त की बातें इस तरीके से होंगी, जब प्रदर्शन होता है जैसे लिखा जाता है तो प्रदर्शनी में नी लगाना क्या गलती है मेरे भाई, लगा दिया। अच्छा जी ब्रज और भाषा क्या लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, आप सभी ने दिया और ये एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रज भाषा कैसे लिखा जाएगा, हालांकि और सारी चीजें चिन्ह थी। वर्तनी के दृष्टि से ही आपको चयन करना है। अच्छा जी वर्तनी के दृष्टि से ही चयन करना भैया, कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध को छांटना है। भाई बड़ा मजा आता है जब अशुद्ध को छांटना होता है, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिसपे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी उपरयुक्त दिया हुआ है, व्यंग दिया हुआ है, पूजनी दिया हुआ है, मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना पूजनी ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना महीना की बात किया जाए यहां पर उपरयुक्त ऐसे लिखा जाता है, याद कर लेना मेरे भाई, याद कर लेना ये दोनों क्वेश्चन को, याद कर देना दिमाग में सेटअप बना लेना कि गुरुजी उपरयुक्त और आपका पूजनी होता है। अच्छा जी महीना कई बच्चे ऐसे भी जानते हैं कि गुरुजी महीना तो ऐसे भी होता है, ही छोटे ई की नहीं, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है मेरे भाई। अगर व्यंग की बातें की जाए तो व्यंग की बातें अगर आपके सामने की जाए तो व्यंग्य होता है। अच्छा जी व्यंग्य होता है, करेक्ट ऑप्शन यहीं पर दिया था, बाकी ऑप्शन से आपके बिल्कुल भी यहां पर काम नहीं चल रहे होते। आप कहेंगे सर यहां पर क्या है, व्यंग मजाक टाइप का, हंसी मजाक हो जाए व्यंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध की पहचान करना है। अब मजा आएगा, अशुद्ध की पहचान करना, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, जब आप बैठोगे ना एग्जाम देने तो भैया बात वही आएगा मेरे भाई, वही आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीजें वो है जो जरूरत की है, बिना जरूरत की अगर होती तो भैया यहां पर आपके सामने दिखाई नहीं देती, तो ऐसे संटू गोलू मैं भी बना देता कि संटू मंटू और यहां पर बच्चा का नाम रख देता कोई और बोलता कौन सा सही है, वो आता ही नहीं ना, ये आता है। अच्छा जी अशुद्ध की पहचान करना है, भाई अगर अशुद्ध की पहचान करना है अब आप बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आप देंगे। अब एक बात यहां पर है कि हमें अशुद्ध की पहचान करना मेरे भाई, हमें तो अशुद्ध की पहचान करना है। अब यहां पर सन्यास दिया हुआ है, आप कहेंगे सन्यास, हाँ मेरे भाई सन्यास दिया हुआ है, और आप कहेंगे सर सन्यास तो यहां पर भी लिखा हुआ और यहां पर भी लिखा हुआ, अब यहां पर भी लिखा हुआ मेरे भाई, लेकिन सन्यास नहीं होता ना, सन्यास इस तरीके से होगा, बाकी ऑप्शन से अगर काम चलता तो मेरे भाई बहुत पहले ही चला लिया गया होता। क्वेश्चन नंबर बन गया, कहा था कि वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है। अच्छा जी वाल्मीकि के दृष्टिकोण से आपको चेक करना है कि भैया यहां पर कुछ हो या ना हो, आपका अशुद्ध पूछा है तो आप बता दीजिए, अशुद्ध जब पूछे तो समझ लो कि कौन सा तीन ऐसा है जो शुद्ध लिखा हुआ है। अब तो गलती नहीं करोगे गुरुजी? ना ना अब गलती नहीं करूंगा, क्योंकि वाल्मीकि तो ऐसा लिखा जाता है लेकिन यहां पर कहा है अशुद्ध लिखा है। अच्छा जी कालिदास मेरे भाई क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, याद रखना आपके एग्जाम में बनेगा। और अतिथि की बात करते हैं, अतिथि देवभव ऐसे ही लिखा जाता है परंतु हमारा क्वेश्चन मना किया हुआ है। वाल्मीकि यहां पर खतरनाक लिखा है जो कि ऐसा नहीं लिखा जाता है, आपको भी पता होना चाहिए कि वाल्मी और की लगा दो भैया, वाल्मीकि समझ में आया। अच्छा जी
यहां पर करेक्ट ऑप्शन होता है। आप बोल रहे हैं सर बी ऑप्शन, मेरे भाई आपसे गलत पूछा है, अशुद्ध की पहचान करना था, सही वर्तनी की आपकी पहचान अब हो जाएगी। मुझे यह उम्मीद है कि आप ना सही वर्तनी की पहचान बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। अच्छा, सही वर्तनी की पहचान करना है, आप बताइए पष्ट किसे कहते हैं? पष्ट, अरे वाह भाई, ऑप्शन में मिल गया जो कि करेक्ट ऑप्शन की तरफ दिया था हमेशा, कि किस लिए यूज होता है, किस लिए? अरे छठ भैया, छठा वाली कहानी आती है ना, वही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विद्वान आप होंगे लेकिन लेडीज होगी तो विदुषी कह देना, विद्वान उसे मत कहा करो, और उसी विदुषी के अंतर्गत पूछा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा मेरे भाई। पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए कि वी होता है, पहली बात आपको पता चलना चाहिए कि व से स्टार्ट होगा, तो व वाला अपने आप कट जाएगा मेरे भाई, कट गया। अच्छा जी, वी लगता नहीं है, ऐसे वी लगता है, तो ये वाला भी कट गया विदुषी में। अब ऑप्शन ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, लेकिन दो में छोटे ओ की मात्रा लगती है, बड़े ओ की मात्रा यहां पर नहीं लगती, ऐसे कट गया। राइट ऑप्शन अपने आप ए वाला निकल के ऑटोमेटिक चला आया है, उम्मीद और आशा करता हूं करेक्ट ऑप्शन रहा होगा आप सभी का, और मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चे का एकदम सटीक और सही दिशा में उत्तर आ रहा है मेरे भाई। ये वो प्रश्न है ना, मैं आपसे कई बार कह रहा हूं कि भैया बहुत ही धैर्यपूर्वक देख लो, कुछ करो या ना करो, लेकिन इनको एक बार जरूर समझना जरूरी है मेरे भाई। अच्छा जी, निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है। देखो आज इतनी अशुद्धियां बता दूंगा, इतनी शुद्ध करना बता दूंगा कि जीवन में सब कुछ गलती कर जाओगे, लेकिन याद रखना कभी भी शुद्ध वर्तनी से अशुद्धियां गलती नहीं करोगे, इतनी बात पता होना चाहिए। हाँ, अशुद्ध को आप पहचान जाओगे, इतना प्रैक्टिस ही करा लूंगा, विश्वास नहीं होगा थोड़ा सा आपके ऊपर भैया मेरे ऊपर, तो याद रखना विश्वास जताना पड़ेगा मेहनत के साथ। क्यों? क्योंकि याद रखना ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट आते हैं भैया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग ऐसे और ऐसे नहीं करना है, नजर गड़ाए रखना क्वेश्चन पे। अब बात कर रहा है अशुद्ध की पहचान करना, बहुत ही सिंपल है क्योंकि ऐसे तीन होंगे जो शुद्ध लिखे होंगे। अच्छा, कुछ याद करो या ना याद करो, इस वाले उज्जवल को याद रखो माइंड में, आगे प्रश्न बना है और याद रखना। और दूसरी बात कि आपके एग्जाम में अगर एक बार नहीं 1000 बार कहो तो बार बार बनकर आया हुआ है। अच्छा जी, कवित्री को मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ बने या ना बने याद रखना ये वाला दोनों बनेगा। आप कहेंगे इतना कॉन्फिडेंस मेरे भाई है। अच्छा जी, श्रृंगार और श्रद्धा लिखा हुआ है, किसी बच्चे का या किसी घर परिवार में किसी का नाम होगा श्रद्धा, मेरे भाई ऐसे ही श्रद्धा लिखा जाता है, लेकिन प्रश्न हमारा मना किया हुआ है, इंपॉर्टेंट से अपने आप में कट गए हैं। श्रृंगार नाम का कोई जिक्र आपके है ही नहीं भैया, श्रृंगार तो मेरे भाई, श्रृंगार तो आपका ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार होता है ऐसे लिखा जाता है, ये श्रृंगार लिखा हुआ है मेरे भाई, इससे काम चलता तो कल्ला चला लिया गया होता। राइट ऑप्शन केवल केवल यहां से निकल के बी। अच्छा जी, 15 कह रहा है शुद्ध वर्तनी चुनना है हमें, शुद्ध वर्तनी की पहचान करना अब धीरे धीरे सरल हो गया है आपके लिए। 10-20 क्वेश्चन जाते जाते मेरे भाई उसके बाद जितने भी शुद्ध वर्तनी आएंगे सारा का सारा आप सही कर लोगे, बस कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखना, गलतियां मत करना। अगर मैं श्रृंगार पे गलती किया था भैया, श्रृंगार लिखने में ऐसे लिखा जाता है, तो उसको माइंड में सेटअप बना लेना कि सर श्रृंगार ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अब दिया है शमशान, शमशान घाट जाना है, याद रखना सम नहीं होता, ये बड़ा छोटा सबसे काम नहीं चलता, सम पूरा नहीं लिखा जाता है, शमशान ऐसे होता है जो सही उत्तर की तरफ आप लोग जा भी रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मेरे भाई 16 नंबर का है, कह रहा है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो शुद्ध लिखा हुआ है। अच्छा जी, शुद्ध की पहचान करनी है, हां बाबू साहब शुद्ध की पहचान करनी है, श्रृंखला लिखा हुआ है, अब सी वाला तो कट गया आपके दिमाग से, आप बोलेंगे सर इस पे उत्तर दो या इस पे उत्तर दो, तो मैं बोलूंगा भैया ऑप्शन ए भी कट गया है, ए भी कट गया है, आप बोलेंगे कैसे, श्रृंखला होता है, श्रृंखला होता है, अगर आप बनाएंगे श्रृंखला होता है मेरे भाई, ये ऐसा कुछ बनता है, लेकिन ऑप्शन में ना जब टाइप किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं आता है, तो मजबूरी है इसके साथ जाना, लेकिन एक मजबूरी और होना चाहिए कि इसको थोड़ा सा हटाना। अच्छा जी, सही रूप बताना है आपको, वर्तनी के दृष्टिकोण से साहित्य कौन सा सही लिखा हुआ है, याद रखना साहित्य नाम का जिक्र नहीं है,
आप सोच रहे हैं साहित्य लिखा है नहीं लिखा है, साहित्यिक ये ऑप्शन दिया कुछ दिया है, आप खेलना चाहते हैं ऑप्शन पे तो इसके साथ जा सकते हैं, इन दोनों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप खेल सकते हैं। मैं आपको चांस दे रहा हूं कि दो ऑप्शन आपके पास हैं जो आपके सही दिशा में मेरे भाई लेके जाएंगे, और आप खेलना चाहेंगे अगर तुक्का भी तो इस पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए गलत ऑप्शन की तरफ खेलने की जरूरत आपको जरा सा नहीं है मेरे भाई। तो याद रखना साहित्यिक ये नया ऑप्शन, साहित्यिक ये दिया है साहित्यिक, स से काम नहीं चलता, साहित्यिक ऑप्शन करेक्ट होता है। सब लोगों ने दिया वाह क्या तरीके से ऑप्शन आया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कवर करिएगा, दिया क्या है बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है मेरे भाई? देखो एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से मैं बातें करूं ना तो यहां पर कुछ प्रश्न बने आपके एग्जाम में या ना बने, लेकिन ये वाला प्रश्न बनने की संभावना पूरा का पूरा है। आप बोलेंगे सर नहीं बना तो मेरे भाई बनेगा, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन ऐसे तरीके से लाया हूं जो आपके एग्जाम से ही संबंधित था। अच्छा जी, यहां पर दिया है कोतूहल दिया है, अनधिकार दिया हुआ है, निरपेक्ष दिया है, और आपको भी जुगाड़ बताया था मेरे भाई कि जब अशुद्धियां पूछे ना तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं हमारे तीन ऐसे होते हैं जो शुद्ध रहते हैं। अच्छा जी, शुद्ध होते हैं, हाँ ऐसे ही शुद्ध होते हैं, और उसी शुद्ध की पहचान करनी है आपको, बड़े अच्छे तरीके से गलती करने की संभावना ना हो। याद रखना कौतूहल जो लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा ही लिखा जाता है, आगे प्रश्न बनेगा याद रखना। अनधिकार होता है, अना नहीं होता। अरे भाई आप सोच रहे हैं अना लगता है ना, अना अनाधिकार, आप ये सोच रहे हैं ना मेरे भाई अनाधिकार, ये आप सोच रहे हैं ये मेरे भाई बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अनधिकार होता है करेक्ट ऑप्शन, अनधिकार करेक्ट ऑप्शन होता है, लेकिन माइंड में सेटअप बना हुआ है कि सर अनाधिकार 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 अनधिकार होता है। अच्छा जी कोई बात नहीं, आपसे गलती ना हो। फिर निरपेक्ष ऐसे ही लिखा जाता है, जरा सा त्रुटि नहीं है। अब दिया है पौराणिक, अब ऑप्शन में जब यह ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई तो याद रखना आपको पता होना चाहिए पौ ऐसे होगा, राणिक ऐसे होता है, आपको भी मालूम होना चाहिए भैया। जब पुराणों वाला ज्ञान होगा ना भैया, पुराण में जो संबंधित पुराणों से जो संबंधित रहता है उसी को कहा जाता है पौराणिक कहा जाता है, ई और एक सही नहीं है। तो ऐसा प्रश्न संभावना है, लेकिन याद रखना कुछ याद हो या ना याद हो इन दोनों ऑप्शन को माइंड में बना लेना। 19, अच्छा 19 नंबर वाला सस्ता प्रश्न है क्या? लग रहा होगा सस्ता प्रश्न है, देखना तरीके से देखना अच्छे से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए बहिष्कार, बहिष्कार। अच्छा ऑप्शन में सब बहिष्कार वाले हैं, लेकिन बच्चा मालूम है कि इस पे उत्तर नहीं देगा, मुझे भी पता है, और एक ऑप्शन पे और उत्तर नहीं देगा वो भी, उसको पता है कि गुरुजी इस पे भी नहीं दूंगा। चलो दो ऑप्शन पे उत्तर आप नहीं देने वाले, तो मुझे मालूम था कि बहिष्कार में ही ऐसे नहीं लगता, ही ऐसे नहीं लगता, मुझे मालूम है कि आप दो उत्तर पे नहीं देंगे। बहिष्कार होता है, बहिष्कार होता है, आप यहां पर फंसेंगे। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए चीजें जब आपके सटीक आती हैं तो बहिष्कार किया जाता है किसी चीज का, बहिष्कार नहीं किया जाता। वर्तनी के दृष्टिकोण से एकदम करेक्ट लिखा है। अगर आप 20 क्वेश्चन नंबर कवर कर लिए मेरे भाई, अब आपको प्रश्न वही मिलता है जो एग्जाम में आता है, और कोई खतरनाक वाला दिखेगा। अच्छा जी एक बात बताना, आप यहां पर कह रहा है हमारे शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। अच्छा आप इतना शुद्ध वर्तनी अब जीवन में मत पढ़ना, एक बार पढ़ने हैं शिद्दत से पढ़ना है, बहुत ही मन से पढ़ना है। अच्छा श्रृंगार दिया हुआ है, आप कहेंगे कौन सा श्रृंगार सही लिखा हुआ है? मेरे भाई बता चुका हूं कि श्रृंगार कुछ इस तरीके से श्रृंगार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में जब नहीं बनता है तो थोड़ा सा ऐसे आप कर लिया करें ए ऐसे, तो क्या श्रृंगार सही नहीं बना? एकदम करेक्ट बना हुआ है, बाकी ऑप्शन से काम नहीं चल रहा था, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा जी हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप भाई एग्जाम में बहुत बार बन के आएगा, ये किसी में बेदखल देना बिना काम का किसी में अड़ंगा डालना, तो हस्तक्षेप वाला काम क्यों करते हैं? और याद रखना हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्त होता है, हस्त और क्षेप होता है। नजर और नजरिया सही रहा तो शायद उत्तर भी मिल जाएगा, थो से काम चलेगा आप बोलेंगे जी नहीं चलेगा, हस्त से काम चलेगा कक्षेप से चलेंगे आप बोलेंगे जी नहीं चलेगा। हस्त भाई छेप दिया है, हस्त छेन नहीं चलेगा गुरुजी, ऑप्शन तो सी से चल रहा था जो कि करेक्ट ऑप्शन भी कहीं ना कहीं था। 22 नंबर शुद्ध बता दो भाई, शुद्ध, शुद्ध की पहचान करा दो। अच्छा जी आपके सामने दिया है हतोत्साह, अब ये करेक्ट कौन सा लिखा यह सोचना जरूरी है। हतोत्साहित,
देखो भाई मिल गया ऑप्शन, हतोत्साहित नाम का ही जिक्र किया गया है और बाकी आपका नहीं होता मेरे भाई। अगर होता तो काम चलता, अभी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन की तरफ आप लोग नहीं जाएंगे, बी ऑप्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नंबर भैया, आपका नंबर यहां पर महत्वाकांक्षा के ऑप्शन आ गया है और ये महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको समझने की जरूरत है मेरे भाई। जब शादी विवाह का काम रहेगा ना तो ऐसे लिखा जाता है, महत्व याद करो भैया, महत्व को बस याद रखो और महत्वा करके कांक्षा का नामकरण कर दो, करेक्ट ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तकलीफ नहीं होगा। नजर और नजरिया अगर सही दिशा में वर्क कर रहा होगा तो शायद उत्तर भी आपको अब तक मिल जाना चाहिए। अब ऑप्शन में कहेंगे सर महा होता, मा होता है ना, ऑप्शन सी वाला। वाह वाह क्या तरीके से उत्तर आया है, बहुत बढ़िया। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न कह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि भैया वर्तनी में शुद्ध आपको बता देना है, इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। अच्छा जी एक बात बताना, शुद्ध जब पूछा हुआ है तो सिंपल सी एक बात आती है कि तीन अब ऐसे होंगे जो बिल्कुल गलत लिखे होंगे। अच्छा जी अब कहेंगे सर अधीन होता है क्या, अधीन नाम का जिक्र कहीं नहीं है, अधीन होता है तो ठीक है हम इसे भी नोट कर लेते हैं भाई, हम इसे बड़े शिद्दत से नोट कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे सर अधीन को मैंने यहां पर नोट कर लिया। अच्छा जी व्यवहारिक दिया है, आपको भी पता होना चाहिए व्याव होता है, व्यवहारिक। अच्छा जी यह भी बन चुका है। मिष्ठान दिया हुआ है, मैंने कहा कि मिष्ठान होता है, ठान से काम नहीं चलता भैया, मिष्ठान होता है तो अत्यधिक अत्याधिक नहीं होता। यह सोच रहे होंगे कई बच्चे अत्याधिक होता है ना मेरे भाई, अत्याधिक का नाम कहीं नहीं है या अत्यधिक ऐसा कुछ नहीं। ये करेक्ट ऑप्शन आपका केवल यहां पर सही था, लेकिन याद भी कर लो अधीन व्यावहारिक और मिष्ठान नहीं मिष्ठान होता है। अच्छा जी चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द आपको बता देना है। शुद्ध आज के बाद ये तकलीफ नहीं होगा कि बच्चा कहेगा सर शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है, भाई कहानी खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अब ये वही क्वेश्चन है जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस बेहतरीन अच्छे तरीके से करना है। सन्यासी दिया है, प्रौद्योगिक दिया है, परिषद दिया है, इकतहर दिया है। अरे मेरे भाई सन्यासी आपने देखा पिछली वाली भैया, कुछ पहले आपके क्वेश्चन थे ऐसे ही लिखा गया था, ठीक है। अच्छा जी शुद्ध की पहचान करना है अब, लेकिन यहां पर शुद्ध की पहचान करने के बजाय आपको यहां पर अशुद्ध की पहचान करना है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो शुद्ध लिखा हुआ है ना। ये आप क्वेश्चन की तरफ चलिए, आप क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे भाई, आप क्वेश्चन की तरफ चलिए, आप चलिए क्वेश्चन की तरफ, शुद्ध की तरफ चलेंगे। आप सोचेंगे सर यहां पर तो पहचान करना है, इजी है क्या मेरे भाई, इजी होता तो काम चलता, आपका इजी अभी काम नहीं चल रहा है। शुद्ध की पहचान करनी किस प्रकार से होगा, पहले तो जानो पहले शुद्ध क्या है। शुद्ध बताने के बाद मैं चलूंगा अशुद्धियां की तरफ। देखो अब समझने की कोशिश करना, करेक्ट ऑप्शन ये है, यहां पर अशुद्ध करके भी बताऊंगा आप लोगों को, परेशान मत हो। करेक्ट ऑप्शन ये है, सन्यासी ऐसा दिखा, प्राद्योगिक ऐसे नहीं दिखा मेरे भाई, परिषद में ना परिषद में ऐसे द लगता है, परिषद ऐसे हो जाएगा, प्राद्योगिक के लिए प्राद्योगिक होता है मेरे भाई, प्रौद्योगिकी आपका यहां पर ऐसे बनता है। अच्छा जी 71 होता है, आप कहते हैं 72 73, एक आपका एक लगता है, 71 71 71 72 वो होता है। अब ये आपको पता चल गया, अब यहां से प्रश्न आपका बन सकता है अशुद्ध लगा के, अशुद्ध लगा के बन सकता है। अब जैसे पहले बना था शुद्ध हमारा पूछा था, करेक्ट ऑप्शन, अब अशुद्ध देके शुद्ध पूछे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 25 नंबर कह रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अशुद्ध की पहचान करनी है, आप बताओ अशुद्ध की पहचान कैसे होगी भाई, आप बताओ। सांसारिक, संसारी में सांसारिक करेक्ट ऑप्शन है मेरे भाई, गलत नहीं करना है मेरे भाई, गलत नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि सर एक बात क्लियर कर दो कि इस 26 वाले प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो, तो आप सांसारिक ये ऐसे कर लो, इसको मैं बना देता हूं सांसारिक। अच्छा जी सांसारिक ऐसे कुछ होगा, ये अब आपका सही हो, मतलब सही लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि सर मैंने साधु को पढ़ा था ऐसे लिखा जाता है,
शून्य को ऐसे ही देखा हो, लेकिन यहां पर पूछा है हमारा अशुद्ध है, तो हमारा सांसारिक अब ऐसे ही लिखा था, खड़ी पाही लगाना था वो भूल गया था। अच्छा जी, लेकिन यहां पर आपको पता हो जाए, हस्त बताया था और छे बताया था, हस्त छे बताया था, हस्ता नहीं बताया था साहब। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है करेक्ट है। अच्छा जी, अशुद्ध की तरफ में जाना है। देखो, ये अशुद्ध की पहचान करनी है। अब अशुद्ध की पहचान कैसे होगी? अब बात बताओ कि मैं उज्जवल के बारे में बताया था, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी, ये आपने उज्जवल के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट का नाम भेज दिया था, करेक्ट लिखा था। भास्कर होता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। अब पुष्पांजलि होता है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ये भी तो कहीं ना कहीं ऐसे लिखा जाता है। पुष्पांजलि भी तो ऐसे लिखा जाता है। निरापराध है, निरअपराध। करेक्ट ऑप्शन की तरफ आप लोग जाएंगे तो आप पर निर मिलता है भैया, पराध मिलता है, यही होता है, निरपराध होता है। ऑप्शन की तरफ हम लोग गए, बहुत बढ़िया, बी गुरुजी होगा, हाँ 100% होगा। और नाम तो आपका लेना भैया, भूल ही गया, सबका नाम लूंगा, टेंशन मत लेना, 28 को पहले कवर करिएगा। आपसे 5 मिनट में समय लेता हूं, लास्ट में आपसे मैं 5 मिनट का समय लेता हूं, बस बातें करने में भाई, बातें करने में। याद रखना सब बहुत ही खतरनाक प्रश्न होगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी की हमें पहचान करनी है सर, और आपके सामने प्रश्न होगा अधीन करके, और अधीन सिखा चुका हूं, अब डरो मत, अधीन से डरो मत, अधीन ऐसे लिखा जाएगा, नजर और नजरिया बस गड़ाए रखना, इससे काम नहीं चलेगा, अधीन से नहीं होगा, अधीन से नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन केवल बी ले जाएगा। 29 आ गया इंपॉर्टेंट, ये जिसपे मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये वो प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में भैया खतरनाक साबित होंगे। अच्छा जी, कुमुदनी दिया हुआ है। अब यहां पर कई प्रकार से कुमुदनी दिया है, कुमुदनी दिया है भाई, कब ऐसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ से ये वाला कट जाता है, मुंह में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। अच्छा जी, यहां पर कु में ऐसा छोटा ऊ लगता है, बड़ा ऊ नहीं लगता। गुरुजी मैं इस पे दोनों पे खेलूं क्या? हाँ मैं कहूंगा मेरे भाई, खूब दौड़ दौड़ के खेलना, लेकिन कुमुदनी के बारे में नॉलेज लेना जरूरी था। ऑप्शन जिसपे दिया था वो ऑप्शन क्या था? बी था, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 होगा आपके सामने। 30 नंबर होगा कि आपके सामने भैया कि दिया है कि परिणति दिया है, परिणति दिया है, परिणति दिया है, ये कई प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परिणति ऑप्शन ये बच्चा गलती करेगा, लेकिन यहां पर परिणति में ये करेक्ट ऑप्शन ये होता है, यहां पर जो लगता है गलत होता है, ये वाला जो आपके छोटा ई की जगह बड़ा ई लगा दिया गलत है, परिणति होता है मेरे भाई। और ऑप्शन की तरफ अब जाने की कोशिश मेरे भाई जरा सभी मत करना। आप कहेंगे सर मतलब तो भी कुछ होता होगा इसका, हां मेरे भैया, आपका जब एग्जाम देंगे, आपका जब फल आएगा उसका, जो आपने कर्म किया हुआ है, अंजाम जो होगा वही है। आगे चलें एकदम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग हैं। निम्नलिखित में से आपको बता देना है, अब निम्नलिखित में से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है? प्रैक्टिस ही इतना अच्छे से कराऊंगा भैया, सब कुछ भूलोगे लेकिन अशुद्धियां से गलती नहीं करोगे। आपको बताना है कि शुद्ध, आपको बताना है अशुद्ध क्या होगा। चयन कीजिए। अब भाई यानी दिया हुआ है, सरचंद दिया हुआ है, समश्रु दिया हुआ है, कवित्र दिया हुआ है, आपने भी तो देखा है, आपने भी मेरे भाई देख लिया, आपने भी तो देख लिया कि भैया सरचंद ऐसे लिखा जाएगा, समश्रु ऐसे ही होगा, आपने भी देखा भैया यहां पर कि कवित्री इत्री कवित्री होता है, ऐसे कभी जिंदगी नहीं होगा, तो कवित्री होता है, आपका काम नहीं चला था, लेकिन आपको तो काम इस तरीके से चलाना था जो उत्तर की तरफ दिया होता मेरे भाई, यानी चले आगे। अच्छा जी, अब यहां पर दिया है, ये सब तो आपके अशुद्ध थे ना भाई, भाई यानी ऐसे थे, बाकी तो शुद्ध तो दिए थे। अब बहुत बढ़िया ऑप्शन भी आ रहा था बच्चों का, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से आपको बताना है, अब शुद्ध का पहचान करना है, शुद्ध की पहचान करनी है। अब गुरुजी शुद्ध की पहचान किस प्रकार से करूं? अब बताओ शुद्ध की पहचान किस प्रकार से करूं? गुरुजी एक बात नहीं समझ में आया, आपने बताया था पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता, तो मैं काट दूंगा, क्या लिखूंगा? पूजनी लिखूंगा। भैया मैंने यहां पर पूजनी का जिक्र किया हूं, पूजनी का नहीं किया हूं। अच्छा जी, यहां पर दिया है क्या? तदुपरांत। भाई सर तदुपरांत नाम का जिक्र नहीं है, आपको भी पता होना चाहिए कि भैया आपका तदु होता है, परांत। अच्छा गुरुजी, यहां पर कव दिया हुआ है, आपने देखा कव होता है और इत्री होता है, ये आपने जस्ट देखकर आया कहां से, ये वाले प्रश्न कवित्री ऐसे होता है, तो ये तो सही लिखा हुआ है।
ये ऐसे सही होता है तो ये ऑप्शन ऐसे कट हुआ, ऑप्शन क्या हुआ, केवल ए, केवल ए निकल के फिर आ गया। कई बच्चे सोच रहे थे पदोपरांत, पदोपरांत पदोपरांत होता है। अच्छा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी आ गई हैं यहां पर, भैया प्रधानमंत्री जी श्री इंदिरा गांधी जी को याद कर लो। लिखा कैसे जाता है श्रीमती, श्रीमती मैं कहता हूं श्री मती शांति, ये वाला शांति नाम वाला होता है, शांति देवी, चलो नाम लिख दिया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, श्रीमती शांति देवी लिखा। गुरुजी श्रीमती आपने ऐसे लिखा हुआ है, नहीं बाबू ऐसे चेक करो सही लिखा हुआ है, ऐसे गुरुजी ना, ऐसे ना, करेक्ट ऑप्शन ये है, कुछ इंपॉर्टेंट भैया नाम दे दो कि भैया ऐसे लिखा जाता है। आगे चले प्रश्न को लेकर। अच्छा जी, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब शुद्ध की वर्तनी याद रखना काली, काली तो काल तो ऐसा लिखा जाता है, काली भैया आप ऐसे लिख देते हैं क्या? नहीं, अगर काली दास की बात है ना तो काली इस प्रकार से होना चाहिए, दास ऐसे लगाना है। और बोल रहा गुरु जी आप ही हो क्या कालीदास, तो मैं बोलूंगा पागल, मैं कालीदास नहीं हूं, वो कालीदास कोई और है। अच्छा ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये, ठीक है कालीदास ये हो गया, कालीदास इससे काम नहीं चला था, ये बाकी ऑप्शन क्या थे बेकार थे, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद कर रखना। 35 नंबर सर, 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जरा क्वेश्चन को उत्तर देना। अब बताया था ना कि मैथिली शरण कैसे लिखा जाता है, आपको बताया था मान्यवर की कैसे लिखा जाता है मैथिली शरण, बताया था मैथ मत लिखना, मैथ नहीं होता, अरे भैया मैथी होता है, मैथिली होता है, तो मैथिली कैसे लिखा जाए, मैथिली ऐसे होगा, शरण लिख दिया मैथिली शरण कहलाएगा, नजर और नजरिया सही रहा, ये अपने आप कट गया, हम इनको पूछेंगे नहीं, इनको न्योता देंगे नहीं, भैया इनको बुला लेंगे खाना पीना खाने के लिए। चलो जी 36, अब 36 रोटी का चेला पता है ना, 36 रोटी, रोटी बना दूं चेला, आता है रोज टाइम पे आता है, 36 वाले प्रश्न पे ही आता है पढ़ने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, 36 वाले प्रश्न पे ही आता है पढ़ाई पढ़ने के लिए। अच्छा नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनी दी गई है, अच्छा एक ही जैसा चार है क्या, अरे 36, लो भैया 36 वाले प्रश्न पर संजोग इतना जबरदस्त है कि 36 ही बना है, बाबरे काबिले तारीफ है भैया, काबिले तारीफ है, गजब भाई, 36 वाले रोटी वाले प्रश्न बता रहा था मैं, पढ़ा नहीं थे इसको, लेकिन 36 वाला प्रश्न बना रहा था और 36 ही आ गया बनके, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा नीचे दिए गए शब्द में आपको वर्तनी बताना है, 36 एक्चुअली में लिखा गया जाता है, 36 नहीं होता, 36 ऐसे नहीं होता, 36 ऐसे ही होता है और किस तरीके से नहीं होता। 37 नंबर रहेगा, शुद्ध आपको वर्तनी को कौन सा है, अच्छा उत्तीर्ण पास आप हो जाएंगे तो एग्जाम में तो उत्तीर्ण ही होते हैं, लेकिन जो आपका भैया दोस्त है जो नहीं पढ़ता है केवल घूमता है वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण एक्चुअली में लिखा कैसे जाएगा इस पे विचार विमर्श करना है। अब उत्तीर्ण से काम नहीं चलेगा, आपने भी देखा है उत्तीर्ण में ऐसे काम चलता तो सब लोग चला लिए होते मेरे भाई। अच्छा उत्तीर्ण ऐसे दिया था मेरे भाई, अगर उत्तर की तरफ भी जाना था तो हमें ए ऑप्शन पे जाना था जो कि सही दिशा में लेके गया है आपको, पास होना उत्तीर्ण वाला काम यही होता है कहीं ना कहीं। 38 नंबर का हमारा प्रश्न ही लाजवाब तरीके का है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से बताना है कौन से वे शब्द है जो वर्तनी आपकी क्या है, कहीं ना कहीं शुद्ध दिया गया है और शुद्ध की ही पहचान करना जरूरी था मेरे भाई और करना भी कहीं ना कहीं चाहिए। अनुभूति, मन में अनुभूति होती है भैया, मन में खुशहाली होती है, चलिए अनुभूति कैसे लिखी जाएगी ये आपको प्रश्न करना है, तो मैं कहूंगा अन से काम नहीं चलता, पहले ऑप्शन को काट दो क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अनु होता है, ये अनु होता है। अब आपको पता है अनु ऐसे लिखा है, अनु ऐसे लिखा है, भू ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, भाई मेरे ऑप्शन तो दोनों सही लिख रहे हैं, मेरे ऑप्शन अगर बच्चा दे रहा होगा बी एंड डी, बी एंड सी दे रहा है तो कौन सा गलत काम कर रहा है भैया, एकदम सही तो लिखा है, कोई गलती नहीं है, तकलीफ नहीं है, यह ऑप्शन ऐसे कट गया, करेक्ट ऑप्शन देना बी एंड सी पड़ गया, राइट ऑप्शन। 39,
39, अब गलती नहीं होना चाहिए, अब वो प्रश्न आ रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं, इनमें से एक शब्द की वर्तनी गलत है, अशुद्ध लिखा हुआ है। अच्छा जी, अधीन नाम नहीं होता, अधीन नाम होता है। अच्छा जी, भागीरथी पता है, भागीरथी ऐसे लिखी जाती है, जागृत है, जागृत लिखा हुआ है। अच्छा, अनुग्रहित सही लिखा हुआ है, लेकिन जागृत आपको गलत लिखा दिया गया यहां पर। आप कहेंगे सर इसमें गलत क्या है, मेरे भाई इसमें जागृत होता है ना, जागृत होता है, जागृत होता है मेरे भाई, जागृत। जैसे एक होता है ग्रह, एक होता है आपका ग्रह होता है, और एक और होता है जिसका क्या नाम होता है, गृह होता है। तो आप बताइए कौन सा सही है भैया, एक गृह ग्रह दोनों तो सही है, लेकिन यहां पर आपका सही लिखा हुआ था दोनों, लेकिन यह वाला ऑप्शन क्या था, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 40 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, अस्पृश्यता। भाई अस्पृश्यता आपको दिया हुआ, अस्पृश्यता भाई कई प्रकार का लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो चाहिए सही दिशा वाला। अस्पृश्यता आपको पता होना चाहिए कि हमेशा मैं बार बार लिख देता हूं, अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है, करेक्ट। और किसी अप्लाई हो रहा था जी, सब पे करके देखा नहीं हो रहा था, मेहनत से लगे रहना, जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक भैया जी जान छोड़कर उसके पीछे पड़ जाओ, गुरुजी मुझे लेना है, जान लगाना पड़े चाहे जहां जाना पड़े, इस वर्दी के पीछे इतना भागना है ना कि भैया सब कुछ मिल जाए, लेकिन किसी को देखकर नहीं भागना है, अपनी चाहत और अपने कौन मतलब हिसाब से भागना है, किसी को और कुछ बहकावे में नहीं जाना है, याद रखना इस चीज का, कोई बहकाने वाला बहुत मिलता है। अच्छा, रचयिता मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, रचयिता मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो भैया, रचयिता कैसे लिखा जाता है, रचयिता से काम चलता तो शायद आप भी उत्तर देके आगे बढ़ चुके होते। रचयिता इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, रचयिता का नाम नहीं भाई, र होता है और च होता है, ई की मात्रा लगती भैया, ई में औ आपका ता होता है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारे केवल बी पर दर्शाए गए थे और किसी पे नहीं था। 42 नंबर का प्रश्न बहुत ही लाजवाब का है, 42 वाले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि गुरुजी इसमें से अशुद्ध की बताओ ना, याद रखना अशुद्ध अशुद्ध से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। आपसे अगर मैं कहूं गुरुजी 99% चांस है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, मेरे भाई 99 अपने बस का नहीं है, मैं कहता हूं आपके अपने एग्जाम में 100% प्रश्न बनेगा शुद्ध वर्तनी के दृष्टि, भाई जानना जरूरी है। अच्छा जी, दैहिक ऐसे लिखा जाता है गुरुजी, लेकिन उसने मना किया हुआ है। सर प्रौढ़ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसने मना किया हुआ है। पौरुष मेरे भैया ऐसा होता है, उसने मना किया हुआ था। नौकरी ऐसे होता है, लेकिन वहां पर लिखा नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें उत्तर बी को चुनना जरूरी था। 44 नहीं 43 नंबर है, रेणुका मनोज रिंकू, हाँ ठीक है, उत्तर भी सही दिशा में आ रहा है। अच्छा, शुद्ध वर्तनी युक्त आपको बताना है, शुद्ध कौन, औद्योगिक उद्योग प्लस इक, इक की मात्रा, इक प्रत्यय लगते ही औ में बदल जाएगा, औद्योगिक होता है। अच्छा गुरुजी, उसे काम नहीं चलेगा ना, चलता तो करा चला लिया गया होता। आप कहेंगे सर इससे काम चलेगा, हाँ औद्योगिक होता है, बाकी ऑप्शन ये क्या है, देखो कंफ्यूजन बच्चा यहां पर होता है, यहां होता है, इक प्रत्यय लगता है उद्योग में, इक प्रत्यय लगा औ बन जाता है, औ नहीं बनता। अच्छा जी, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 44 नंबर कह रहा है कि इनमें से शुद्ध बताना है कौशल्य कैसे लिखा जाता है। आप बताओ को से काम चलेगा, आप बताइए के से काम चलेगा, को से काम चलेगा नहीं, कौशल्य से लिखना है ना, तो इसके साथ जाना मजबूरी है सर, और करेक्ट ऑप्शन भी तो है, नहीं मजबूरी है तो भैया ऐसे भी तो सही है। अच्छा जी, अब लो सन्यासी आ गया, सन्यासी बहुत इंपॉर्टेंट कर लो, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सन्यासी। भैया सन्यासी आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑप्शन केवल ए यहां पर दिया हुआ है, और यहां पर दिया हुआ है ए की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, यानी कि जाहिर सी बात है तीन ऑप्शन गलत होंगे। उन्नयन कैसे लिखा जाता है आप बताओ, उन्नयन कैसे लिखा जाता है। आप बोलेंगे सर उन्नयन लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, मैं बोलूंगा हां उन्नय होता है, उन्न होता है, उन्नयन होता है, आपका इससे नहीं काम चला काट दिया। अच्छा इससे नहीं, उन्नयन से उन्न नहीं होता काट दिया, उन्न यहां तक सही था लेकिन आपका यन भाई साहब जरा सा, तो आप कहेंगे सर बात तो बन रही थी ना मेरे भाई, डबल ना लगाने से कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए गलत है, राइट ऑप्शन केवल भी है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लो आ गया, तोरा अंगना में नाचे मोर, हाँ तो लेकिन वो मोर से मत लगा देना चांद। अच्छा जी, कौन सा शब्द आपका शुद्ध के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा है? एक बात कहना चाहता हूं साहब, आपने जब आंख देखा था किसी का, नजर और नजरिया सही रहा होगा तो आंख तो पहली बार बड़ा अच्छा से देखा होगा, अरे वाह, लेकिन हमारा आंख ऐसे लिखा जाता है, वो आंख आपने देखा होगा बात अलग है, लेकिन लिखने के लिए ऐसा होता है। चांद के पार चलूंगा, भैया अब चांद के पार क्या चलोगे, चांद पे तो भैया ढंग से पहुंचा नहीं गया किसी से, भारत कैसे बेचारा आ गया, तो अब चांद के पार, और भी देश गए थे लेकिन बहुत सारे, आपको नहीं, छोटे मोटे देश की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा जी, चांद के पार जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप बताओ अंक कैसे लिखा जाता है? आप बोलेंगे सर अंक तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा जी, तो ए भी कटा, मैं बोला हां काट दो, ए भी कटा, मेरे बोला काट दो, अच्छा चांद भी कट गया, अच्छा जी मजबूरी में आ गया उत्तर क्या? नहीं, करेक्ट ऑप्शन भी तो था। अच्छा जी, कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध की पहचान करनी है, सर आपकी अशुद्ध कौन सी होगी? याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा का सारा प्रश्न देखो भाई वही है, आपका सभी के सभी प्रश्न वही है। अब आपको बता दूं ज्योत्सना काफी इंपॉर्टेंट है सर, अहल्या, अहिल्या देता है ऑप्शन में, अहिल्या देता है वो गलत होता है, अहल्या करेक्ट ऑप्शन होता है, इंपॉर्टेंट आप भी कॉपी में नोट करेंगे, बहुत जरूरी है। अंतर्धान, अंतर ध्यान होता है, लेकिन अंतर्धान ये भी करेक्ट ऑप्शन है, नहीं जरा से गलती नहीं है, लेकिन मिष्ठान आपको सिखा के आया, मिष्ठान आपको सिखाया, मिष्ठान न होता मेरे भाई, मिष्ठान न होता है। आगे के प्रश्न ले चलते हैं, यहां पर अशुद्ध की तरफ बहुब्री, आप भी पढ़ते थे कि सर मैं पढ़ रहा हूं कहीं ना कहीं बहु पढ़ रहा हूं, बहुव्रीही, बहुव्रीही समास पढ़ रहा हूं मेरे भाई। अच्छा, समास जब पढ़ते थे तो बहुव्रीही समास का जिक्र करते थे, ये एक प्रकार से समास है, समास में ही हम लोग पढ़ते थे, और समास का विलोम कई बार बताया था कि व्यास होता है, लेकिन अभी आपसे प्रश्न नहीं पूछा है, आपसे बहुव्री के बारे में जिक्र किया हुआ है जिसमें दोनों के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकलता है वही अब बहुव्री समास कहलाता है। अच्छा जी, यहां पर लिखा था आपने बोला नहीं, ऐसे लिखा हूं आप बोलेंगे नहीं, ऐसे जिक्र किया आपने कहा नहीं, मजबूरी में लगाओ उत्तर भैया, करेक्ट ऑप्शन है, मजबूरी में उत्तर लगा दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर कह रहा है, बहुत ही अच्छे से शिद्दत से उत्तर देना, अब बताओ अंजलि लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में आए या ना समझ में आए? हाथ ऐसे करो भैया, जो गड्ढा बना हुआ है उसी को अंजलि कहते हैं, ये नाम वाला अंजलि पुत्र वाला नहीं, अंजलि है। अच्छा जी, आपका अंजलि कैसे लिखा जाएगा सही? आप बोलेंगे सर मैं 50 वाले उत्तर को बहुत ही सही दिशा में ले जाऊंगा, अब ऐसे अंजलि मत कर देना, इससे बात नहीं किया हूं, ये बेचारा यही है जो आपका हाथ हो भैया, यहां पर जो गड्ढा बनता है हाथ में वही अंजलि करेक्ट ऑप्शन देता है। 51 वाला उत्तर देना है, अरे सर उत्तर देना है तो देना है, गलत नहीं देना है, गलती से बचना है, ये क्लास सर रोज चलती है इस टाइम पे मेरे भाई। हां, ये क्लास रोज चलती है इस टाइम पे, हां मेरे भाई, हर तरह हर बार तरीके से चलता है, 5 बजे क्लासेस आपके अपने ही विकास सर की होती है, 5 से 6 क्लासेस भैया आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट का, तो मैं टाइम से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, 10-15 मिनट बढ़ा लेता हूं, आगे पीछे कर लेता हूं, तो उसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है ना कुछ सीखने, भैया आपको जब सीखना है तो कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि इनमें से विकल्प कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, आपका जब अशुद्ध पूछे ना तो इसका मतलब 3 शुद्ध लिखा हुआ, 1 अशुद्ध लिखा है। अच्छा जी, बताया था कि महीना कैसे लिखा जाता है, आपने कहा ऐसे लिखा जाता है, पूजनी कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसने मना किया हुआ है, व्यंग्य बताया था ना आप सभी को, व्यंग्य बताया था, व्यंग्य तो ऐसे होता है, करेक्ट ऑप्शन यहां था, उपर्युक्त में से सभी मेरे भाई, कैसे सभी कर दू, कैसे कह दू भैया। अच्छा जी, 52 नंबर है, हां 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, अधोलिखित में से शुद्ध है, शुद्ध की पहचान करनी है। अच्छा, शुद्ध की पहचान करनी है, अच्छा रचयिता लिख के बताया था ना, रचयिता, ये तो सही लिखा हुआ है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप कहेंगे सर अनुग्रहित, मैंने कब कहा गलत लिखा हुआ है? अच्छा जी, आप यहां पर अब देख रहे होंगे सर, यहां पर शुद्ध की पहचान करनी है,
यहां पर आपके सामने क्या करना है सर, शुद्ध की पहचान करनी है। आपने देखा कि सर कैसे पहचान करूं, आपके सामने शुद्ध की पहचान करनी है। अनुग्रहित होता है, गृहित नहीं होता, पहली बात जान लो। आप सोच रहे होंगे सर ये सब सही लिखा हुआ है, मेरे भाई बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आपसे मैं कहा था रचयिता ऐसे लिखाता है, और ग्रह और गृह को कब से समझा रहा हूं कि ग्रह ये है और ग्रह ये है, गृह ये है, तो अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता। ऑप्शन कट चुका है, उत्तर भी बन गया भैया आपका अनुग्रहित। आप कहेंगे सर अनु और यहां पर ग्रहित होता है, मैंने कहा हां बाबू करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, आहार नहीं आहार होता है। अच्छा जी आहार होता है, हां सृष्टा आपको सामने दिया था, सृष्टा होता है, आपको भी पता होना चाहिए सृष्टा ऐसे होता है। गलत ऑप्शन की तरफ नहीं जाना था, रचयिता तो एकदम सही लिखा था, रचयिता तो ऐसे सही लिखा था। अंतरराष्ट्रीय, न जाने कितना बच्चा परेशान हुआ है, उसको भी पता है कि जब एयरपोर्ट वगैरह में जाता है घूमने टहलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, डिस्काउंट वाला फोटो, कहता है गुरुजी एयरपोर्ट में जाएगा, और बेचारा ऐसे जाके डिस्काउंट से फोटो खिंचा के चलाता है, गुरुजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा फलाना जगह। अरे भैया आपको भी पता होना चाहिए कि अंतर पहले लिख लो, पहले अंतर तो लिख लो। आप कहेंगे अंतर लिख दिया, राष्ट्रीय कैसे लिखा था, आपने कहा सर ऐसे लिखा था है, राष्ट्रीय ऐसे लिखा था, पहले उनमें तो अंतर जान लो साहब, यही बोल रहा था ना, तो मैंने कहा अंतर राष्ट्रीय, तो आपने कहा अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। नजर और नजरिया बड़ा अच्छे से देखना, उत्तर यहां पर नहीं मिला कट गया, यहां पर नहीं मिला अंतरा से काम कट गया, इससे काम नहीं चल रहा था, मजबूरी आ गया सर आपके सामने, वही जो बताया था वी वाला करेक्ट ऑप्शन की तरफ आया था, अंतरराष्ट्रीय कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। 54 54 नंबर बताओ भाई अब। अच्छा अध्ययन पूछा हुआ है, और वो भी शुद्ध पूछा हुआ है, कौन सा अध्ययन आपके सामने, तो अध्ययन तो ऐसे आ गया ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए अध्यय होता है, अध्यय अध्ययन होता है, अध्यय में लिख लिया अध्यय, और इसमें य और न को जोड़ दो, य और न को जोड़ दो, तो यह अध्ययन का काम वर्क करेगा, न कि कोई और करेगा। देखना कौन सा उत्तर आपका यहां पर कहीं ना कहीं सही है, यही तो सही निकल गया मेरे भाई। क्वेश्चन हम ले चलते हैं अपने किसके तरफ, आगे की तरफ। अच्छा जी यहां पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। शुद्ध शब्द आपको बताना है, अनाधिकार दिया है, अहिल्या दिया है, अंतर ध्यान दिया है, उपर्युक्त आपको दिया हुआ है, कौन सा सही है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार बताया था आपको, आपको मैं बताया था अनधिकार बताया था मेरे भाई, अनधिकार बताया था, अना से काम नहीं चलेगा, अनधिकार के बारे में जिक्र किया हुआ था, आपने कहा हां खूब किया हुआ है। अहल्या नहीं बताया था, अ बनाया था, अहल्या बताया था। अच्छा जी एक बात बताना, आप इसके अंतर ध्यान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो उत्तर आप कैसे कहेंगे भाई, जब भी उत्तर होगा ना कहीं हमारा यहां पर से निकल के जो आएगा भैया वही आपका करेक्ट ऑप्शन अंतर ध्यान के अंतर लग जाएगा। चले आगे की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नंबर होगा 56 नंबर होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें पहचानना है। अब शुद्ध वर्तनी वाला पहचान कैसे करूं सर, जरा बड़ा मुश्किल आ गया है सर। आपको तो मैं एक बात भी कहा था कि कभी भी शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी होगी भैया, एक बात दिमाग में सेटअप बना लो कि ग्रह आपका यहां पर दिया है, जागृत के बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। आप बोलेंगे जागृति तो नहीं बताया था, मैंने कब बताया कि भैया काट दो ना, मैंने नहीं बताया तो काट दीजिए। आप कहेंगे सर आपने तो यहां पर नहीं बताया हुआ है, मैंने बोला कि काट दीजिए, जागृत बताया था नहीं, ऑप्शन बच्चा इस पे खेलेगा, जागृत नाम होता है, जागृत होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पे आप उत्तर देंगे, बी वाला या सी वाला। बताया हूं कि भैया ऐसे उत्तर को देखने के पश्चात गलती करने की संभावना कम किया करो, जागृत नहीं जागृत नाम का जिक्र किया गया है आपकी पुस्तक अखबार में। अगले प्रश्न हमारे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध लिखा हुआ है, एक वर्तनी ही एक ऐसा वर्तनी है जो कहीं ना कहीं अशुद्ध लिखा हुआ है, और इसे हमें चयनित करना है भैया कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है।
अब बता चुका हूं उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम दिया था मेरे भाई श्रृंगार, आपको बताया था कि ऐसे नहीं लिखा था, आपका श्रृंगार कई बार बताया भैया श्रृंगार ऐसे होगा, श्रृंगार इस तरीके से होगा, ऑप्शन ये वाला करेक्ट होता है, कव इत्री ऐसे लिखा जाता है, प्रश्न हमारा मना किया हुआ था। अच्छा श्रद्धा इसके बारे में बताया था। 58 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी की पहचान करनी है, जरा पहचान करके देखिए कि कौन सी वर्तनी की ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में ले जा रही है। चलिए आनुसांगिक दिया है, आनुसांगिक दिया है भाई, ये कई प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन आपको भी हमेशा हमेशा की तरह एक बात पता होना चाहिए, जब ऐसे उत्तर बनना चालू हो जाए आपके एग्जाम में तो डरना वरना सब छोड़ दिया करो, कि दुख तकलीफ में आना आप छोड़ दिया जाओ, राइट ऑप्शन केवल केवल ए हो जाता है। 59 बहुत बढ़िया। अब इस 59 वाले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और याद रखना आज जितना कराऊंगा ना इसके बाद तकलीफ में मत आना लाइफ में कभी कि सर सर थोड़ा सा अभी शुद्ध वर्तनी और पढ़ना है, ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जो 10-5 मिनट की क्लासेस लगेंगी धैर्य बना के रुके रहना पढ़ लेना, उसके बाद कभी जिंदगी मत पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वर्तनी से पूछा है शुद्ध कौन सा होगा, सुश्रुषा दिया हुआ है, अब कई प्रकार का बन के आया हुआ है मेरे भाई, ऑप्शन में अगर आपसे बन जाए तो याद रखना सु ऐसे लिखा जाएगा, श्री ऐसे होता है, श्री सा इस प्रकार से बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए वाला हो जाता है। 60 नंबर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है, सुषमा किसी का नाम है, सुषमा किसी का नाम है, सुषमा सुषमा। और देखो आपको ना आप एक काम किया करो, शुद्ध वर्तनी इतने आसान से ना इतने आसान वे में आपका नहीं खत्म होता मेरे भाई, एक बात क्लियर ये कर लो अपने दिमाग में कि आप अपने हाथ से भी लिखा करो, जैसे कि यहां पर सुषमा लिखा हुआ ना तो अपने हाथ से भी लिखा करो, सुषमा अपने हाथ से भी लिखा करो, इससे क्या होगा प्रैक्टिस होगी तब जीवन में आपकी वर्तनी गलत नहीं होगी, यही फायदा होता है शुद्ध वर्तनी की पहचान अगर आपको करना है तो। देखिए अगर किसी का नाम सुषमा होगा तो सु ऐसे लिखा जाएगा, श ऐसे होगा षटकोर वाला, और मां लगाएंगे कहेंगे सुषमा देवी जी की जय हो, भैया सुषमा देवी को भैया यहां पर क्या है ऐसे लिखते हैं, तो देवी नहीं पूछा है सुषमा पूछा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं ए वाला ही था। 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 61 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा उच्च श्रृंखला दिया हुआ है, अब बताओ उस श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा, श्रेय नहीं होता मेरे भाई, आपको भी पता होना चाहिए कि मैंने आपसे कहा कि सर ये चीजें नहीं होती हैं, उच्च श्रृंखला ऐसे नहीं होगा, तो आप बोलेंगे सर कैसे होगा, आपके सामने यहां पर आता है दो ऑप्शन, ये स से च से काम नहीं चलता कट गया, दो ऑप्शन एक जैसा ही लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं गुरुजी बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62 नंबर, तो खतरनाक प्रश्न है एग्जाम में भैया, बहुत ही खतरनाक लेवल का है, आप भी बहुत दुनिया में टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारा रिवीजन करते होंगे, बहुत तरीके से पढ़े होंगे, हर बार की तरह फिर बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, कहीं पूछा जाए या ना पूछा जाए उज्जवल को पता नहीं क्यों पूछ लिया जाता है। अच्छा जी उज्जवल में हमें भी पता है कि भैया उज्जवल जो होता है अधिकांशतर बच्चा क्या जानता है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, कई बच्चा जानता है, जो कि 100% अगर कहा जाए तब भी क्या है गलत है मेरे भाई। अच्छा उज्जवल लिखा कैसे जाएगा, ऊ होता है दोनों के दोनों जा आधा होता है, अच्छा जी दोनों के दोनों जा आधा होगा वह और उज्जवल इस प्रकार से होता है, जो 100% करेक्ट होता है मेरे भाई, नजर और नजरिया सही रहा तो गलत निकल गया, इसमें नजर नजरिया गलत निकला मेरे भाई, इसमें आया पता चला करेक्ट बन चुका है, मजबूरी है सर इसके साथ जाना क्या, जी नहीं लिखा करो हाथ से लिखा करो सर। निम्न में से आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है, हतोत्साह, देखो भाई इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नाम करते हैं, आप बोलेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पानी पीते हैं सर और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करते हैं, बने रहना 10-5 मिनट और आपका पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा वर्तनी, पूरा का पूरा वर्तनी आपकी समाप्त हो जाएगी मेरे भाई, फिर डरने की जरूरत कभी जिंदगी में आपको मेरे भाई कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं आएगी। अच्छा जी एक प्रश्न आपके सामने है, क्या देंगे उत्तर, आप बोलेंगे सर हतोत्साह करेक्ट ऑप्शन होता है, हतोत्साहित नहीं होता याद रखना, गलत ऑप्शन की तरफ मत जाना, हतोत्साह होता है। अच्छा जी निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, वाले शब्द को चयन कीजिए, उपर्युक्त दिया है गलत है जो कि, अच्छा उपर्युक्त होता है ऊपरी नहीं होता, ऊपरी नहीं होता मेरे भाई, उपर्युक्त मतलब ऊपर वाली कथा, उपर्युक्त करेक्ट ऑप्शन दिया है, कहते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए उपर्युक्त का चयन कीजिए मेरे भैया, ऊपर जो लिखा हुआ है।
65 नंबर क्वेश्चन है। आपका टाइम मैं कभी लेता नहीं हूं मेरे भाई, जब मुझे 10-5 मिनट की जरूरत पड़ती है कभी कि एक्स्ट्रा चीजें आपको कुछ बता दूं जो आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब लेना उस टाइम मजबूरी बन जाता है सर, वैसे लेना कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए करता हूं इतना मेहनत, तो आप भी लगे रहा करो तैयारी के साथ। अच्छा जी, सर्वोत्तम दिया हुआ है, शुद्ध की पहचान करना है ना। अच्छा जी, शुद्ध की पहचान करना है तो एक बात यह जानना होगा कि कौन कौन सा पहले गलत लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अपने गलत की पहचान करने के लिए, हमने कहा कि सर सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है मेरे भाई, ये मैं ऐसे लिख दिया, सांसारिक नहीं सांसारिक होता है, सांसारिक होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक बात कह देना चाहता हूं भैया, यहां पर कीर्ति जो आपको दिख रही है ना, कीर्ति कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये ऑप्शन क्या है एकदम सही वाले हैं, नजर और नजरिया अब सही करना, क्या सर्वोत्तम ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था, सांसारिक ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था गुरुजी, कीर्ति ऐसे लिखा था, गुरुजी नहीं लिखा था, सर ऑप्शन आपका सच्चिदानंद बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार घूम टहल के आता है आपके एग्जाम में। 66 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा शुद्ध है, प्रशंसा लिखा जाता है, प्रशंसा, अब बताओ कि प्रशंसा एक्चुअली में आपका कौन सा एकदम सही दिशा में ले जा रहा है। आप बोलेंगे सर प्रशंसा किसी का किया जाता है, तो प्रशंसा इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा ऑप्शन नजर आया रहा होगा तो करेक्ट है गुरु जी, यहां पर नजर आया लेकिन यह गलत निकला, सर यहां पर से काम नहीं चला, मैंने कहा ठीक है यहां से काम चलता, लेकिन भैया आपका अकॉर्डिंग प्रश्न का उत्तर जो छुपा था केवल ए वाले में ही छुपा हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपका 67 हो गया। अब 67 है, निम्नलिखित में से वर्तनी से बताना दृष्ट आपको कौन सी अशुद्ध लिखा है। अशुद्ध का मतलब यह है कि तीन ऑप्शन बेचारे ऐसे दिए रहते हैं जो शुद्ध लिखा रहता है, जैसे कि आपको बताया कि यहां पर परिवार क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सही लिखा हुआ है, पूछा क्या है अशुद्ध पूछा है, किसी की तिथि हो मेरे भैया तिथि को कैसे लिखा जाएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऐसे लिखा गया है, मैं बोला हां बात है, नीति ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन पूर्ति की बात जब की जाती है मेरे भैया, पूर्ति जब ऐसे होगी ना, पू और ती, पूर्ति ऐसे की जाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और भैया पूर्ति वाली कहानी यहां पर है, लेकिन उत्तर भी कहीं ना कहीं यही सही है, क्योंकि यह क्या था अशुद्ध लिखा हुआ था। अब बताना है क्वेश्चन नंबर आपका खत्म है, वर्तनी के दृष्टि आपको बताना है ना, शुद्ध कौन सा छाटना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से छाट लेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं, एक एक बच्चे का नाम ले लूंगा भैया, चलिए जैसे कि भैया सुनील, मनोज, सीमा, ठीक है, विकास, मनोज, काव्या, ठीक है अच्छे से उत्तर दीजिए, तो भैया नाम में कुछ रखा नहीं है सर, बोला मेरा नाम नहीं लिया, नाम तो सबका लूंगा लेकिन थोड़ा सा ना धैर्य रखना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए। अभिराम दिया हुआ है, अभिराम दिया है, अभिरमन दिया, रम रम दिया है, अभिराम दिया हुआ मेरे भाई, कितने भी रम 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 आ जाए, लेकिन हमें तो मालूम है सर राइट ऑप्शन अपना क्या होने वाला है, अभिराम होता है। अच्छा यहां पर देखिएगा क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्र, स्वतंत्र दिया है, संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम होता ना वही है, संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की भैया आहुति दी है, जान दी है। अच्छा जी, कैसे लिखा जाएगा आपको भी पता होना चाहिए सर, कैसे लिखा जाएगा याद रखना, स्वतंत्र। चले आगे, 70 नंबर, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, अनुसंधान वाला प्रश्न, बहुत ही खतरनाक है और आपको उत्तर देना है, अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा, अनु होता है, अन से काम नहीं चलता, यह ऐसे रहना चाहिए था, नहीं था, कट गया, तो मैंने कहा हां कट गया, अनु में उ छोटा वाला लगता है, यह भी कट गया, ऑप्शन दिया, अनुसंधान दिया हुआ है, स चाहिए, स से काम नहीं चलेगा, डी ऑप्शन आना आपका मजबूरी पड़ गया सर कहीं ना कहीं, तो प्रैक्टिस खुद लिखा करो, आपको जैसे ये सही हो गया ना तो खुद लिखो, अनु बनाओ, अनु बनाओ, सन बनाओ, धान बनाओ, अनुसंधान खुद कहो ना सर, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर मत कहना सर अब गलती होगा, लास्ट तक जुड़े रहना, 80 क्वेश्चन से ऊपर एक भी नहीं कराऊंगा, और उसी 80 में से पूछूंगा आपसे कि कौन अब कितना किया प्रश्न, 80 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं पूरा का पूरा, हालांकि और भी प्रश्न है हमारे पास, लेकिन मैं आपको 80 तक चांस दे रहा हूं, 80 तक मन से जुड़े रहना, और एक बार भी नहीं बोला हूं कि क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लें, भैया एक बार क्लास को सब लोग एकदम मन से, तकलीफ नहीं झेलना है, आराम से लाइक करना है। ज्येष्ठ आपसे पूछा, शुद्ध वर्तनी पूछा है, ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है, अच्छा ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है ये आपसे प्रश्न किया हुआ है, अब जरा सोचना कि कैसे लिखा जाएगा, ज्येष्ठ होता है यहां पर दिया हुआ था, सर यहां पर तो भी दिया है, हां गुरुजी यहां पर भी दिया है, ज्येष्ठ 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 तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
व्यवहारिक रूप में या रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, व्यवहारिक में जब व्यवहारिक में कैसे व्यवहारिक सही दिशा में ले जाना है, कहीं ना कहीं उत्तर भी सही होना चाहिए। अच्छा जी, आप बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो ब्याह होता भैया, आपके सामने जो प्रश्न बना हुआ है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्याह होता है ब्याह, ब्याह यहां पर लिखा है, यहां पर नहीं लिखा है, काट दो, वैसे काम नहीं चलेगा। वह यहां पर दिया था, व्यावहारिक होता है मेरे भाई, जो ऑप्शन केवल बी पर दिया था। अधिकांशतर बच्चे भाई उत्तर सही दिए, लेकिन आपको भी काम करना है अपना प्रैक्टिस सुधारने के लिए। तो व्याव को ऐसे लिखो, हारिक को ऐसे बनाओ मेरे भाई, और बोलो कि लो गुरुजी उत्तर मैंने कहीं ना कहीं सही दिशा में दिया हुआ है। अच्छा जी, 73 नंबर हमारा कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शारीरिक जो होता ना व्यायाम, शारीरिक। तो शारीरिक शारीरिक तो बहुत सारा, लेकिन शारीरिक लिखा कैसे जाएगा यह आपको निर्धारित करना है। तो मैं जैसे बताऊं भैया, सा होता है, री होता है, सारी है, शारीरिक शारीरिक, तो आपका ऑप्शन ऐसा होगा, नजर और नजरिया सही रहा होगा, तो शायद मुलाकात भी यहीं पर हो रही होगी भैया, ऑप्शन आपके भैया, और कहीं तो नहीं हो रहा था ना। आप बोला शारीरिक, तो आपने कहा सर शारीरिक शारीरिक, तो काम बन रहा था। मैंने बोला यहां पर चेक करो, वहां पर नहीं चेक करना है, यहां पर चेक करो, तो आपने कहा सर थोड़ा सा नीचे लाओ और इसमें चिपका दो, तो मैं बोला सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। अच्छा जी, अब द्वंद, अब जैसे कि समास में आपको याद रखना है, जैसे कि आपने पढ़ा कि बहुव्री बहुव्रीही समास आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, तो द्वंद में एक द्वंद समास में ही द्वंद समास आता है मेरे भाई, द्वंद में ही समास बन के आता है, और आपको उत्तर की तरफ आपके जाना है कि द्वंद में कैसे द्वंद लिखा जाता है। बहुव्री बार बार पूछा जाता है, द्वंद बार बार पूछा जाता है, द्वंद ऐसे लिखा हो नहीं लिखे हो, ऐसे गुरुजी नहीं गुरुजी, ऐसे गुरुजी नहीं गुरुजी, मजबूरी कर क्या कर रहा था, ऑप्शन मजबूरी का नाम सर महात्मा गांधी बच्चा कह रहा है, कोई बात नहीं। 75 नंबर, 5 नंबर और अच्छे से कवर कर लो, फिर आपका छुट्टी बढ़िया वाला एकदम। अच्छा जी, शुद्ध वर्तनी का चयन करें सर। अब हमें शुद्ध वर्तनी, उत्सव कैसे लिखा जाता है, बड़ी दिक्कत तो वाली बात है भैया कि उत्सव लिखने के लिए भी तकलीफ है, और एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि उत्सव कैसा लिखा जाता है, उत्सव तो ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा हां नहीं देखा, नजर और नजरिया सही रहा, तो सर बी ऑप्शन पे मैच कर रहा था। चलिए 76 नंबर, अस्थाई, कहते हैं हमारा अस्थाई पता फला जगह है, हाँ, तो अस्थाई लिखने के लिए आपने कहा अस्था और ई ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन में मुझे मालूम था बच्चा यहां गलती नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, लेकिन इस पे गलती करेगा, जो कि गलत था मेरे भाई। राइट ऑप्शन तो आपका बी सही है, गलती से बचना ही है, गलती करना आपको नहीं है। चलिए 77 नंबर, 3 क्वेश्चन आपके सामने और होंगे, और उसके बाद आपको बढ़िया सा नाम प्यारा सा शुद्ध वर्तनी के सामने लिखा हुआ है, क्या आपको करना है। अब आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, क्या आप उत्तर देंगे, आप क्या उत्तर देंगे जरा सोच समझ के देना, गलती मत करना मेरे भाई। आपके सामने बहुत सारा प्रश्न बना हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है, छेद बना है, श्वेत्र बना हुआ है। ये अगर श्वेत लिखा होता जिसका मतलब होता है सफेद, अगर ये श्वेत लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन इसमें त्र लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई। अच्छा गुरु जी, क्षेत्र नाम क्या होता है, ऐसी होता है, बाकी ऑप्शन क्या थे, गलत थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, परिणीति आपको बता चुका, परिणीति यहां पर बता चुका, करेक्ट ऑप्शन वाला भी कहानी बता चुका, परिणीति ऐसी इस प्रकार से होगी। और आप कहते हैं शताब्दी, बहुत ही खतरनाक, बच्चों को तकलीफ देता है, लेकिन आज से तकलीफ दूर हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस, तो शताब्दी तो ऐसे होगा, कहते हैं ना शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है, भाग जाओ फटाक से, नहीं तो लड़ जाएगा। तो ये शताब्दी, शताब्दी ऐसे लिखा हो ना, ऐसे जिक्र किया ना सर, ऐसे ना। लास्ट क्वेश्चन 80 करता हूं आपके सामने, जो कि पुरस्कार से संबंधित है, पुरस्कार कैसे लिखा जाता है, पूर्व ऐसे किया आपने नहीं, पुरस्कार होता है, पुरस्कार में आप कौन सा कार जोड़ेंगे जरा सोचना। आप कहेंगे सर मैं तो लिखता हूं पुरस्कार, ऐसे कभी देखा हूं, एक बार मुझे पुरस्कार मिला था तो उस पर लिखा था मेरा नाम और पुरस्कार संबंधित, ऐसे लिखा था, तो और पुरस्कार से तो काम नहीं चला था, काट दिया था। ये वाला सर से बहिष्कार वाले में स होता है, ये यूज नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या है आपका, केवल बी ऑप्शन है मेरे भाई, हर बार की तरह इस बार प्रश्न आपका हुआ करेक्ट। अब चलते हैं अपने कुछ तरीके वाले की तरफ, जो आपके स्पेशल बैच है ना,
ये जो आपका स्पेशल बैच है मेरे भाई, वो है आपका बिहार एसएससी 2023 के लिए स्पेशल बैच है। ये क्लासेस आपको कहां मिलती है सर? आपके अपने ऐप पर मिलती हैं, और साथ ही साथ ये आपके ऑफर भी एक सीमित समय के लिए होते हैं। आपको ये पहचान रहे हो, ये वही फौजी बैच है जिसने आप सभी को दिया है भैया हजारों सिलेक्शन, और फिर भैया इस बार भी तरीके से देगा, याद रखना। आपको भी पता होना चाहिए कि ऑफर भी एक सीमित समय के लिए। अब जरा सोचना कि आप कहते हैं गुरुजी और भी क्या क्लासेस हैं भैया, सिपाही बैच, उत्तर प्रदेश पुलिस, महावीर बैच आपको पता है, और यहां पर राजधानी बैच, शक्ति बैच, ये वो क्लासेस हैं जो आपके अपने ही अपने ऐप पर मिलते हैं। अच्छा, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच है। मैथ एंड रीजनिंग की अगर बात किया जाए ना, तो भैया एकदम बेसिक से क्लासेस शाम को एकदम आराम से, भैया जीडी के लिए, भैया नहीं दुनिया में कोई एग्जाम हो सबके लिए तरीके से चलते हैं। अच्छा जी, यहां पर चलते हैं, आपके करना क्या है। इस लिंक के माध्यम से आपको एसएससी में अगर ऐप डाउनलोड करना है, इसके माध्यम से आपको पूर्णतः सटीक और सही जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यहां पर आपके इंस्टा होते हैं, इस पेज आपका फेसबुक के लिए होता है, इस टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं, तो नए नए अपडेट्स आपको तरीके से मिलते रहते हैं। अच्छा गुरु जी, एक बात बताना, यहां पर ट्विटर है आपका, यहां पर ये है। अब गुरु जी, शुद्धवर्तनी से और भी पढ़ना पड़ेगा क्या? अगर आपने इस तरीके से, इतने तरीके से इस बार पढ़ लिया मेरे भाई, तो आपको नहीं पड़ेगी जरूरत, लेकिन अगर जरूरत मुझे लगेगी कि बच्चों की जरूरत हो सकती है तो मैं लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं लाऊंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता जरूरत है, जरूरत पड़ जाएगा तो मैं लाऊंगा शुद्धवर्तनी से प्रश्न। लेकिन आप बताना कि इस 80 वाले प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ और जरा कितना गलत हुआ, इस जानकारी भैया मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि इतना देर से बताया सिखाया, तो आप भी बता दीजिए सर क्या होगा। सर मेरा नाम ले लीजिए, मम्मी के कलुआ, अरे अरे चेला, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये कौन है? मम्मी का कलुआ है, अरे बप्पा रे, लो भैया कल्लू बना दिया, कह दिया बच्चा कि सर मम्मी का कलुआ हूं। अरे भैया मम्मी के कम से कम लास्ट नेम रखो, उनको बताओ मड़ियाओं कब आ रहे हैं। सर जी विकास कुमार यादव मेरे भाई, बहुत ही जल्द आएंगे, टेंशन मत लो। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, आप सभी को पता है कि ये सारा का सारा हमारा प्रश्न कवर हो चुका है, और साथ ही साथ हर बार की तरह इस बार कवर करते हुए चलना है, एक भी प्रश्न आपका इधर सुधर नहीं होगा। लेकिन ऐसी जरूरत स्थितियां आ जाती हैं कि सर आपके सामने की कुछ बात करना पड़े तो करूंगा। चलिए सर मेरा नाम ले लीजिए सर। अच्छा जी, जया जी नाम है आपका, विकास ले लिया, आलोक आपका भी, आनंद, अच्छा जी, अनिल बेबी टू नाम है आपका, अच्छा समझ रहा हूँ भैया, निखिल बहुत अच्छा, आकाश पहाड़ी लड़का, आह पहाड़ का लड़का आया हुआ है, बहुत बढ़िया, पहाड़ी लड़का है, पहाड़ वाला लड़का है, बहुत अच्छा। चलिए ऐसे ही आपको पढ़ाई तरीके से करते रहना है, कल वाली जब क्लास में हमारी आपसे मुलाकातें होंगी तो कहीं ना कहीं हम कुछ नए अपडेट के साथ ही मिलेंगे, कोई पुराना अपडेट के साथ नहीं मिलेंगे। अगर पुराना अपडेट के साथ हमारी आपसे आपकी मुलाकात होती है तो इसका मतलब वही इंपॉर्टेंट है, तब मुलाकातें हो रही हैं। अगर हम मिलेंगे कल आपके नए तरीके वाले प्रश्न के साथ, लेकिन अगर हो सकता है कि पुराने वाले तरीके से मिल रहे हैं तो इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मजबूरी है सर उसके साथ मिलना फिर, ठीक है। अच्छा जी, चलिए सर बस करते हैं आज की क्लास में, कल लेंगे सब पूरा का पूरा भैया। चलिए बहुत बढ़िया, प्लीज सर भैया बताएं मुझे क्या दिक्कत है। राजमा आजमगढ़ वाले, वाह भैया गुरु जी आजमगढ़ जी आइए, हाँ हाँ सारे के सारे जगह आऊंगा, बस आप लोग पढ़ाई बढ़िया से करिए। किसी को भैया देखो कोई दुख तकलीफ परेशानी, सीमा आशीष जया परमिला आदित्य नारायण सोम, मस्ती क्लास रही सर, अच्छा सर पढ़ाई भी हुआ बस मस्ती हुआ सर। प्लीज बताइए दिल्ली पुलिस के एग्जाम कब होगा? 14 नवंबर का डेट है भैया, उसी के अनुसार होगा। अच्छा जी, मस्त है क्लास, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। अरे भैया एटीम से एटी भैया, एक चेला भैया बढ़िया अपना है, उसका नाम 36 रोटी का है, उसने 80 में से 80 किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चांद के पार, अब होते दोस्त मेरे भाई, अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद।